हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर एकेडमिक। हमारी एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पिछले वीडियो में उसका हल हमने करवा दिया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो हम इसमें हल करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और पेशेंस के साथ देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4s² - 4s + 1, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसके हमको गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप आपको जो एक्स स्क्वायर होता है, इसमें x तो है नहीं, आपको x की जगह पे s दिया हुआ है, ठीक है। तो आप x की जगह पे s मान लीजिए इसमें। तो देखिए, एस स्क्वायर का जो गुणांक है 4 और जो अचर पद है उसको, इन दोनों को आपको गुणा करना है। तो गुणा करने पर क्या आ गया हमारे पास, 4 × 1, क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। आपको 4 अपने माइंड में रखना है। देखिए, फिर आप देखिए, जब आप एस स्क्वायर का गुणांक और अचर पद दोनों को गुणा करें तो उनका गुणा तो हमारे पास 4 आ गया। तो दो ऐसी संख्याएं सोचिए जिनका गुणा 4 हो और उनको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास माइनस के 4 आए, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं हमारे पास हैं, -2 और -2, ठीक है, यानी दोनों माइनस की होंगी। तो देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हम 4s² - 2s - 2s, ठीक है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस के 4s आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास +1, ऐसे कैसे। अब देखिए, यहाँ पे हम इस पार्ट में से कॉमन ले लेते हैं, s हमारे पास, सॉरी 2s कॉमन आएगा भाई इसमें से। देखिए, यहाँ पे 2s और यहाँ से भी 2s। देखिए, 2s कॉमन लेने पर यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2s - 1, क्योंकि यहाँ से 2s कॉमन ले लिया तो हमारे पास 1 बचा। अब देखिए, माइनस यहाँ से ओनली 1 कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2s, और देखिए माइनस कॉमन लेने पर हमारे पास यहाँ पे माइनस बचा है, ठीक है, तो माइनस के 1। अब देखिए, ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो देखिए 2s - 1 और हमारे पास बचा 2s - 1। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए भाई, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों के लिए। तो देखिए, हम इन दोनों ब्रैकेट्स को जीरो के बराबर करेंगे, तो 2s - 1 = 0 या 2s - 1 = 0, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 2s की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और यहाँ पर भी 2s की वैल्यू आ गई 1। जब s की वैल्यू निकालेंगे तो हमको 2 का भाग करना होगा दोनों तरफ, तो s बराबर आ जाएगा 1/2, यहाँ पे भी s बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो हमारे पास जो दो शून्यांक है वो आ चुके हैं 1/2 और 1/2। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे अब हम शून्यांकों का योग, दोनों शून्यांकों का योग करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1/2 + 1/2, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1। भाई आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम यहाँ पे करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, देखिए 1/2 × 1/2, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4 आ गया है। अब देखिए, अब इन दोनों की हमको जांच करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था ना कि भाई इन दोनों की सत्यता की जांच करनी है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम जांच। तो देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे शून्यांकों का योग, ठीक है। उसका फॉर्मूला था हमारे पास -x² / x² ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था। इसको हमने लिखा था -b/a। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास माइनस एक्स का गुणांक क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे एक्स का गुणांक मतलब आपको यहाँ पे एस का गुणांक देखना है, एस का गुणांक यहाँ पे है -2, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे -2 लिखेंगे, -2/x² का गुणांक, यानी आपको एस स्क्वायर का गुणांक देखना है, तो एस स्क्वायर का गुणांक आपके पास 4, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप 4 लिख लीजिए। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास -(-)+(+)2/4, जब इसका भाग करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, ठीक है।
सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, मैंने ऊपर इक्वेशन में ना देख के मैंने यहाँ पे देख लिया, सॉरी यहाँ पे जो बी स्क्वायर यानी कि जो एक्स एक्स का गुणांक है ना वो यहाँ पे माइनस फोर है, ठीक है, यहाँ पे माइनस दो नहीं है, यहाँ पे माइनस दो नहीं है, माइनस फोर है, ठीक है, तो ये फोर हो गया। जब आप फोर से फोर कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आपके पास वन बच जाएगा, ठीक है, ये वन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूले से हमारे पास शून्यांकों का योग आया वन, और जो हमने दोनों शून्यांकों को योग किया तो वो भी हमारे पास वन आया, तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये सत्य है, ठीक है। अब हम शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, देखिए इसका फॉर्मूला था अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो देखिए इस ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने सी बटे ए, तो देखिए आपको अचर पद देखना है, अचर पद कितना है यहाँ पे वन है, ठीक है, तो यहाँ पे वन, ठीक है, यहाँ पे वन, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था यहाँ पे लिखा था हमने फोर, तो ये हमारे पास फोर, तो वन बाई फोर आ गया। तो देखिए मैंने आपको शून्यांकों का गुणनफल करवाया था उसमें वन बाई फोर आया, और जब फॉर्मूले से हमने निकाला वो भी हमारे पास वन बाई फोर आया। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः सत्य है, ठीक है, और आपके पास जो दो शून्यांक हैं वो हैं वन बाई टू और वन बाई टू, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, थैंक यू।